एकदम मार्केट जैसी दिखने वाली इस बर्फी को मैंने आज आसान तरीके से घर में आसानी से मिलने वाली चीजों से ही बनाकर बताया है। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी। इस बर्फी में मैंने मिल्क पाउडर, मावा या घी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये बर्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। इसे व्रत के लिए भी बनाया जा सकता है या फिर जब भी कभी कुछ मीठा खाना हो, मेहमान घर पर आ रहे हो, तब आप इसे बना सकते हो। इसे आप फ्रिज में रखकर हफ्ते 10 दिनों तक आराम से खा सकते हो, ये खराब नहीं होते। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर या नारियल का चूर्ण ले लिया है। कप से नापो तो ये 2.5 कप होते हैं। 20 से 25 केसर के धागों को गुनगुने दूध में भिगा दिया है। 6 से 8 हरी इलायची को छील कर कूट कर ले लिया है। 150 ग्राम के लगभग दूध की मलाई ले ली है। घर में जो हम दूध इस्तेमाल में लेते हैं उसी की 2 दिन की ये मलाई मैंने फ्रिज में इकट्ठी कर ली थी। ज़्यादा पुरानी मलाई का इस्तेमाल ना करें, इससे बर्फी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। कप से नापो तो ये 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा होता है। मलाई की मात्रा थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 200 ग्राम चीनी लिया है। कप से नापो तो ये 1 कप होता है। इसके साथ ही साथ 1 कप दूध भी ले लिया है। ये 250 ml दूध है। सबसे पहले बर्फी ट्रे को देशी घी से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का ट्रे ना हो तो किसी भी थाली या प्लेट में भी बर्फी को सेट किया जा सकता है। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके मैंने कढ़ाई गर्म होने रख दी है। इस बर्फी को बनाने के लिए मोटे तले के बर्तन का इस्तेमाल करें। अब दूध डाल देते हैं। बीच बीच में चलाते हुए दूध में 1 उबाल आने देंगे। और अब दूध में उबाल आने लग गया है, इसे चला देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें चीनी और केसर वाला दूध डाल देते हैं। चीनी के अच्छी तरह से पिघलने तक इसे चलाते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। और अब थोड़ी देर के बाद दूध में वापस उबाल आने लग गया है और इस स्टेज पर सारी चीनी पिघल चुकी है। फ्लेम को लो कर लेंगे और 5-6 मिनट तक और दूध को उबलने देंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और अब 5 मिनट तक उबलने के बाद दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें नारियल चूर्ण और इलायची पाउडर डाल देते हैं। मिक्स करते हुए चला देंगे। फ्लेम को लो रखना है। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे 1 लाइक ज़रूर कर दें। और अब 2-3 मिनट तक इसे मैंने मिक्स करते हुए चला दिया है। नारियल के चूर्ण दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें सारी मलाई डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर लिया है, इसे डाल देंगे। इसे ऐड करना ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने बर्फी का एक बढ़िया सा कलर निकल कर आए इसलिए इसे ऐड किया है। आप अपने मनपसंद का कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हो या फिर बिना किसी फूड कलर के भी इसे बनाया जा सकता है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। इस स्टेज पर इसे 5-6 मिनट तक और इसी तरह से भून लेंगे ताकि ये मिश्रण बर्फी जमने जैसा तैयार हो जाए। और अब 5 मिनट तक और भूनने के बाद आप देख सकते हो मिश्रण का कलर एकदम बढ़िया ऑरेंज निकल कर आया है। ये अच्छी तरह से भून चुका है और अब ये मिश्रण बर्फी जमने लायक तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सारे मिश्रण को बर्फी ट्रे में डाल देते हैं। इसे ट्रे में अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आप इस रेसिपी को कहां से यानी कि कौन सी जगह से देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि आप मेरे साथ कहां से कनेक्ट हुए हैं। और अब मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर दिया है। यहां पर मैंने कुछ पिस्तों को काट कर ले लिया है। इससे बर्फी की गार्निश कर लेते हैं। आप अपनी मनपसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े या चांदी के बर्फ से इसे गार्निश कर सकते हो। स्पैचुला के हेल्प से प्रेस कर देंगे ताकि ये बर्फी के अंदर तक गरम गरम में ही सेट हो जाए। केसर के धागों से भी मैंने इसे गार्निश कर लिया है। वापस प्रेस कर देते हैं। अब इसे ठंडा होने छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसे अच्छी तरह से सेट होने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो। और अब 2 घंटों के बाद ये ठंडा हो चुका है, इसे काट लेते हैं। मैंने इसे स्क्वायर शेप में काटा है। आप इसे बर्फी शेप में भी काट सकते हो। छोटे या बड़े अपनी मनपसंद के साइज के काट लें।
इसे निकाल लेते हैं। एकदम बढ़िया नारियल की बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे सर्व कर लेंगे। त्योहारों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, रक्षाबंधन और दिवाली आने वाली है, तब आप इसे जरूर बनाएं। व्रत के लिए भी इसे बनाया जा सकता है। फ्रिज में रखकर आप इसे हफ्ते 10 दिनों तक आराम से खा सकते हो, ये खराब नहीं होते। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।